Dear student, today we are going to start our first chapter, Versatile Computer, for this year, and the topics are a computer, main parts, the peripheral devices and IPO cycle, and second application of a computer. So now aaj hum topic A lenge, the main parts and peripheral devices and IPO cycle. Let's start our online study. Okay. First, main parts and peripheral devices. Peripheral devices is a generally defined and as auxiliary device such as a computer, mouse or keyboard that connects to the work with the computer in some way. Other example of peripheral devices are expenses cards, graphics cards, image scanners, tape drives, microphone, loudspeaker, webcam एंड डिजिटल कैमरा. तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है? हमारे पास कंप्यूटर के मेन फाइव पार्ट्स होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू. ये आपने देखे भी है अपने स्कूल में, अपनी लैब में. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं. हमें कंप्यूटर चलाने में जिनकी नीड नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर को चलाने में. जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटर की उतनी जरूरत नहीं होती है कंप्यूटर चलाने में, तो हम उसे भी पेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हैं. कैमरा है, स्कैनर है, स्पीकर है, तो ये हमारे लिए पेरिफेरल डिवाइसेस है जिनकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, उनके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है. तो हमारी मेन मशीन क्या हुई? सीपीयू. सीपीयू से कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को हम चला सकते हैं. इसके अलावा आपको स्क्रीन पे देखिए और दिख रहे होंगे, यहाँ पे हेडफोन है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, वेबकैम है. तो ये सब कंप्यूटर के वो वही पार्ट्स है सारे, जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हैं. तो हमारा मेन पार्ट क्या हुआ? सीपीयू. तो आप इस डायग्राम को शायद समझ गए होंगे अच्छे से, एक बार फिर से देखिएगा इस पूरे डायग्राम को और समझने की कोशिश कीजिएगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आईपीओ साइकिल. तो व्हाट इज आईपीओ साइकिल? द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ साइकिल इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. एक्चुअली इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल इज द साइकिल विथ रिप्रेजेंट द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एंड स्पेशली द वर्किंग ऑफ द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट. जब हमारा कंप्यूटर वर्क करता है तो वो इस प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है. ये हमारे सीपीयू के पार्ट भी कहे जा सकते हैं. आप कह सकते हो कि हमारे सीपीयू के फाइव पार्ट होते हैं, जिनके नेम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज एंड एएलयू. तो अभी मैं आपको इन चार पार्ट को समझाती हूँ. इनपुट, सबसे पहले हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं, जो डेटा हम उसके अंदर फीड करते हैं, वो कीबोर्ड के थ्रू करते हैं. तो ये इनपुट पार्ट हो हमारा. उसके बाद में कंप्यूटर क्या करेगा? हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, उस पर प्रोसेसिंग का वर्क करेगा. आफ्टर देन वो उसको एक कॉपी को स्टोरेज करेगा और एक कॉपी आपको आउटपुट करेगा, वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा. तो ये होता है आपका आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज एंड आउटपुट. तो ये हमारा आईपीओ साइकिल था. आपको इसका डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो आप अपनी कोई भी नोटबुक में ये वर्क डायग्राम और इनकी डेफिनेशन कंप्लीट करें. नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी. थैंक यू.